नमस्कार, राजवर्तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजवर्तक। हम आपको बता दें कि भोजपुरी गायक कलाकार शिल्पी राजभर उर्फ शिल्पी राज ने फेसबुक पर लाइव आकर कहा कि लोग हमें बदनाम करना चाहते हैं और हमारे कामयाबी से लोग जलन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि भोजपुरी कलाकार शिल्पी राज उर्फ शिल्पी राज देवरिया जिला के रहने वाले हैं। हम आपको उनका थोड़ा सा परिचय बता दें कि शिल्पी राज का पिताजी का नाम रमेश चंद्र राजभर है और गांव का नाम करही है पांडेपुर, पोस्ट पकड़ी बाबूपुर, भागपरानी, जिला देवरिया के रहने वाले हैं। हम आपको बता दें कि शिल्पी राजभर उर्फ शिल्पी राज कठिन परिश्रम करके भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक मुकाम हासिल किया है। इस कलाकार को बदनाम करने के लिए कुछ कलाकारों द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि शिल्पी राजभर उर्फ शिल्पी राज एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, जो अपने कठिन परिश्रम करके वह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी ने भी शिल्पी राजभर जी के सपोर्ट में आ गए हैं। एक तरह से कहा जाए तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शिल्पी राजभर उर्फ शिल्पी राज के सपोर्ट में उतर चुकी है। उनका कहना है कि पटेल कंपनी के मालिक के इशारे पर कुछ सिंगर हैं जो शिल्पी जी के ऊपर फर्जी वीडियो बनाकर बदनाम कर रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि आगे वह ये भी लिखते हैं कि कृपया ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई हो ताकि किसी गरीब लड़की का सम्मान सुरक्षित रह सके। हम आपको बता दें कि जो पटेल कंपनी के मालिक है उन्होंने एक नोटिस भी भेजा है शिल्पी राजभर जी के ऊपर। उसमें लिखा क्या गया हम आपको बता दें, कृपया सभी म्यूजिक कंपनी एवं गायकों को सूचित किया जाता है कि गायक शिल्पी राजभर उर्फ शिल्पी राज 20/10/2019 पाँच साल के लिए म्यूजिक कंपनी से एग्रीमेंट है। हम आपको बता दें आपसे कि जिस एग्रीमेंट के में साफ साफ लिखा गया है कि शिल्पी राजभर उर्फ शिल्पी राज पटेल म्यूजिक कंपनी के अलावा पाँच साल किसी दूसरे कंपनी में गाना नहीं गा सकती है। हम आपको बता दें कि गाना ही नहीं बल्कि कोई भी प्रोग्राम हो, स्टेज शो हो, एल्बम हो, कोई भी हो, बगैर पटेल कंपनी के परमिशन से नहीं गा सकती है। पटेल कंपनी का कहना है कि शिल्पी राजभर बगैर अनुमति के तरह तरह के जाकर एल्बम अपना तैयार करा रही थी। शिल्पी राजभर सबसे कम उम्र के फीमेल प्लेबैक सिंगर हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक प्रमोद प्रेमी के साथ किया और वह आज के वक्त में भोजपुरी के सुप्रसिद्ध फीमेल प्लेबैक सिंगर के रूप में से एक हैं। आपको हम बता दें कि शिल्पी राज बहुत कम उम्र से ही भोजपुरी गानों का रियाज करती थी और उन्होंने अपने भोजपुरी सिंगिंग करियर की शुरुआत भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायकों में से एक प्रमोद प्रेमी यादव जी के साथ किया और शिल्पी का शुरुआती गाना है यूट्यूब पर सुपर डुपर हिट हो गया था। आप यूट्यूब पर जाकर गाना प्रमोद यादव जी के साथ सर्च करके देख और सुन सकते हैं। हम आपको बता दें कि शिल्पी राजभर जी एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, उनका गाना बहुत ही चर्चित रहा था। जब शिल्पी राजभर जी का यह गाना सुपर हिट हो गया तो भोजपुरी इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ गया और आज वह लगभग भोजपुरी के सभी सिंगर खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, प्रमोद प्रेमी, अंकुश राज इत्यादि के साथ भोजपुरी गानों में काम कर चुकी हैं और वह अंतरा सिंह प्रियंका के बाद दूसरी ऐसी फीमेल प्लेबैक सिंगर है जिनके गाने यूट्यूब पर रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चला जाता है। हम आपको बता दें कि शिल्पी राजभर जी के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग चुका है। आने वाला दिन कैसा होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी ने ट्वीट करके यह जता दिया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुप्रसिद्ध गायक भोजपुरी शिल्पी राजभर उर्फ शिल्पी राज जी के साथ रहेगी। अब यह देखना है कि शिल्पी राजभर उर्फ शिल्पी राज के सपोर्ट करने वाले कितने लोग होते हैं और या कि गरीब की लड़की को कितने लोग सहयोग करते हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि अन्य लोगों को भी मालूम पड़े कि शिल्पी राजभर जी के ऊपर कितना अत्याचार और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।